بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कल हमने स्काई पाई में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको देखा था और उनकी वैल्यूज को प्रिंट करके देखा था। आज हम बाइनरी प्रीफिक्सेस को देखते हैं कि बाइनरी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल कीबी, कीबी का मतलब है 1024। तो ये 1024 और मे बी 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024, और जी बी जो है वो 3 1024 रेस्ट टू पार 3, और टी बी 1024 रेस्ट टू पार 4, और पी बी 1024 रेस टू पावर 5, फिर सी बी और यू बी। ये सारी की सारी वैल्यूज हैं जो हमारी रिटर्न कर रही है। हम जाते हैं स्पाइडर के अंदर, और स्पाइडर में जाकर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, और इस फाइल में वैल्यूज को लिखते हैं सारे के सारा, कॉपी करते हैं और स्पाइडर में आकर हम उसको पेस्ट करके लागू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर प्रिंट 1024 रेस्ट टू पावर 1 करूँ तो ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है, और अगर मैं इसको 2 कर दूँ तब भी मुझे वैल्यू दिखा रहा है, और अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये फिर मुझे सेम वैल्यू दिखा रहा है। इसका बहुत आसान तरीका ये होगा कि मैं इसके बाद इसको प्रिंट कर दूं और इसके बाद इसको प्रिंट कर दूं, और इसके बाद इसको प्रिंट कर दो, और फिर इसके बाद इसको प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद इसको प्रिंट कर दो, इसके बाद इसको प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद इसको प्रिंट। और फिर हम इसके बाद इसको प्रिंट कर दो, तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये 1024 रेज टू पार 1 है। यानी अगर मैं यहाँ लिखूं रिजल्ट इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स इन रेंज 1, रिजल्ट स्टैटिक इक्वल टू 1024 और प्रिंट रिजल्ट। ये आपको दिखा रहा है कि ये रेस्ट पार 1
यहाँ हम कर दें ये रेस टू पार्ट टू, इन दोनों में देखें सेम वैल्यू, और केस में थ्री कर दें तो ये रेस टू पार्ट थ्री में सेम रिजल्ट दिखा रहा है। डबल स्टैटिक जो होता है ये हमारा पावर ऑपरेटर होता है, जो हमारा पावर, बाकी सारा भी आप लिख सकते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना कोड लिखा है और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अपने पास भी रन कर सकते हैं। आगे चलते हैं और मास, मास जो है वो रिटर्न करता है स्पेसिफाइड यूनिट इन किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो वन का मतलब है ये ग्राम्स है, और मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg, और ग्रेन का मतलब होता है 6.47। तो ये डिफरेंट मास के यूनिट है, और ये सारे के सारे यूनिट जो है वो हम कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के स्काई पाई में यूज करके हम ग्राम्स, मीट्रिक टन, ग्रेन, पाउंड, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर पाउंड और एलबी, इन दोनों की सेम वैल्यू है। फिर ऑन्सेस है, ऑन्सेस आपके सामने आया है, आउंस और ओजी। फिर स्टोन है, स्टोन की वैल्यू आपके सामने आई हुई है। फिर लॉन्ग टर्न है, तो ये सारे के सारे प्री डिफाइंड यूनिट्स हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स में ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है स्काई फाई कॉन्स्टेंट्स के अंदर। फिर एंगल है, एंगल जो है रेडियंस यूनिट के अंदर हमें वैल्यूज रिटर्न करता है, और यहाँ हम डिफरेंट एंगल्स को जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज उसकी नजर आ रही है। फिर टाइम है, टाइम में सेकंड्स, मिनट, आवर, ये 60 सेकंड्स का एक मिनट है, और 60 मिनट्स का एक घंटा है, और 24 घंटों का एक दिन है, और 7 दिनों का एक वीक है, और 365 दिनों का एक साल है, और इसी तरह जूलियन ईयर भी इतने अरसे का होता है। तो ये हमारे पास स्काई पाई में ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जो मिनट्स हैं, मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 घंटा बनता है। फिर घंटे को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डे बनता है। बहुत आसान है, मैं यहाँ पर मिनट में हमारे पास 60 है, और मैं आवर में जाके प्रिंट कर देता हूँ कॉन्स्टेंट्स डॉट मिनट इनटू 60, तो ये आपको नजर आ रहा है 3600 आ गया। और डे में हमारे पास क्या है, डे में हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स डॉट आवर
स्टैटिक पेंडुलम, कॉन्स्टेंट डॉट, कॉन्स पेंस डॉट आवर, इसको रन करते हैं, यहाँ 80 86400। अब जो वीक है, वीक में हम अपने डे को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट्स डॉट डे मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हमारा वीक बना देगा। ये देखिए वीक बना, और ईयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंट्स डॉट डे मल्टीप्लाइड बाय 365, इसको रन करते हैं, तो ये हमारा उसने साल बना दिया, और जूलियन ईयर में भी ऐसे ही साल बन गया। तो ये वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है, ये हमारे पास, हम इनको कभी भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लेंथ है, लेंथ में इंचेस, फीट, यार्ड, माइल, मिल, पॉइंट, और फिर सर्वे फुट, सर्वे माइल, नॉटिकल माइल, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रॉन, एयू, सारी की सारी वैल्यू जो है वो प्रेशर है। प्रेशर में हमारे पास एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, फिर बार, फिर टोर, फिर मिलीमीटर, एच डी, पी एस आई, तो ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी स्काई फाई में डिफाइन है। और इनकी वैल्यूज हम देख सकते हैं। एरिया वॉल्यूम स्पीड टेम्परेचर एनर्जी पावर फोर्स, ये सारे के सारे हमारे पास आर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं जो अवेलेबल है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आज कॉन्स्टेंट्स ही काफी है। आप इन सारों के ऊपर मैं एक असाइनमेंट की लिस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, तो आप वो करके देखें ताकि आपको ये याद हो जाए और मेमोराइज हो जाए कि पाइथन में इतनी तरह के कॉन्स्टेंट है। ओके, जी अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।